मास्टर मार्च से किसको कैसे और कितने रुपए में लगेगा कोरोना टीका, हर सवाल का जवाब। देश में कोरोना वायरस के मामले इधर पिछले कुछ दिनों में फिर बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए अगले महीने से कोरोना वायरस वैक्सीन आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगी। बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में घोषणा की गई है। अगले चरण में किस तरह टीकाकरण होगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी, इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब आइए आपको बताते हैं। 1 मार्च से किन लोगों का टीकाकरण होगा? 60 साल से ज्यादा उम्र वाला हर व्यक्ति टीकाकरण के योग्य होगा। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे लोग जिन्हें पहले से ऐसी बीमारियां हैं जिनसे उन्हें का ज्यादा खतरा है, वे भी टीका लगवा सकेंगे। अभी केवल हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। किन किन बीमारियों वाले लोगों को टीका लगेगा? सरकार ने अभी तक बीमारियों की लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि अधिकारियों के अनुसार हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर के अलावा दिल, गुर्दे और फेफड़े से जुड़ी कुछ बीमारियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। बीमारी है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? टीकाकरण केंद्र पर कोमोर्बिडिटीज वाले लोगों को एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यह सर्टिफिकेट किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से अटेस्ट किया होना चाहिए। टीकाकरण लाभार्थी का वेरिफिकेशन कैसे होगा? सरकार ने 12 तरह के पहचान पत्रों की लिस्ट जारी की है। इसके अलावा मतदाता सूची से भी मिलान किया जाएगा। आप आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, कार आईडी कार्ड, सरकारी कर्मचारियों का सर्विस आईडी कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड से खुद को वेरीफाई करा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में टीकाकरण की कीमत क्या होगी? केंद्र सरकार के मुताबिक करीब 10,000 सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। प्राइवेट अस्पताल में टीका कितने में लगेगा? निजी अस्पतालों में टीका लगवाने के लिए कुछ फीस अदा करनी होगी। यह रकम कितनी होगी, सरकार ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। क्या निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत पर कोई लिमिट होगी? सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हर डोज की अधिकतम कीमत 400 रुपये तय की जा सकती है। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? कोविन ऐप को अब तक वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का मुख्य जरिया बनाया गया था। हालांकि अब आम जनता के लिए टीकाकरण का रास्ता खुलने पर आरोग्य सेतु समेत कई अन्य प्लेटफॉर्म्स का भी यूज किया जा सकता है। मैं योग्य हूँ तो कैसे और कहाँ रजिस्टर करना होगा? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर सरकार ने अभी कोई घोषणा नहीं की है। 1-2 दिन में इसे लेकर डिटेल्स जारी कर दी जाएंगी। क्या सीधे जाकर टीका लगवा सकेंगे या अपॉइंटमेंट लेना होगा? रजिस्टर करा चुके लोग सीधे सेंटर जा सकेंगे, ऐसा अधिकारी कह रहे हैं। कौन सी वैक्सीन लगवाऊं, इसकी चॉइस मिलेगी? अभी तक इस पर कुछ साफ नहीं है। भारत में 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है। पहली ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की डेवलप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई कोविशील्ड और दूसरी भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सिन। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का चुनाव करने नहीं दिया गया था। निजी अस्पतालों को वैक्सीन कैसे मिलेगी? अधिकारियों के मुताबिक टीकाकरण में जो निजी अस्पताल शामिल होंगे उन्हें वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। सेकंड डोज की क्या प्रक्रिया होगी? जिन लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिलेगी वे मोबाइल ऐप के जरिए एक QR आधारित सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। वैक्सीन से जुड़ा अवेयरनेस मटेरियल भी उनके लिए उपलब्ध होगा। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। ये थी टीकाकरण की सारी जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस ऑडियो को अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करके उन तक भी ये पहुंचा दें।